नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। यूपी के मिर्जापुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे। यूपी के मिर्जापुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने मां विंध्यवासिनी का साविधिक किया दर्शन पूजन। चार राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने पर मां को किया विशेष प्रणाम। शिवपाल के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर कहा कि वे एक सम्मानित नेता हैं। केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी धाम विंध्याचल में किया साविधिक दर्शन पूजन। मीडिया से बात करते हुए कहा कि चार राज्यों में भाजपा की सरकार बनने पर विशेष प्रणाम निवेदित किया। लोक कल्याण की कामना से सभी के लिए आशीर्वाद मांगा। जनता के अपेक्षाओं पर खरा उतरे। शिवपाल यादव के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर कहा कि वे एक सम्मानित नेता हैं। पेश है मिर्जापुर से सुधीर सिंह की खास रिपोर्ट। बस माता जी के चरणों में प्रणाम किया और माता जी की कृपा से फिर से उत्तर प्रदेश सहित चार राज्यों में भाजपा की सरकार बनाने में मां के आशीर्वाद के लिए उनके चरणों में एक बार पुनः विनम्र प्रणाम निवेदित किया और लोक कल्याण की कामना और अपने अपने परिवार अपने सभी शुभेच्छुओं की साथियों की सबके लोक मंगल की कामना किया और उनसे यही प्रार्थना कि हम सब जनता की आकांक्षाओं पर लोगों की भलाई के काम में शत प्रतिशत सफल रहे, माँ का आशीर्वाद बना रहे। योगी 2.0 का शुभारंभ हो गया है, तो आगे समय क्या देखा जाएगा? जो वादा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में और जो भाजपा का एक थीम वाक्य था सोच ईमानदार काम दमदार, उसी पथ पर चलते हुए उत्तर प्रदेश में भाजपा के संकल्प पत्र के अनुसार शत प्रतिशत काम 5 वर्षों में चरितार्थ किए जाएंगे और ये सेवा का युग है, ये मोदी का युग है, लोक कल्याण भलाई का युग है, गरीबों की मदद का युग है, भारत के उत्थान और का युग है। उसमें उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 से लगातार ये महान जनता अपनी महान भूमिका अदा की है और उसका प्रतिफल है कि देश आज दुनिया में एक बहुत ही प्रबल और सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज दुनिया में करा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी उसकी जो अहमियत है हाल के घटनाक्रम से आप लोग खुद देख रहे हैं।